नमस्कार, ghamasan.com इंदौर से मैं नीरज कुमार राठौर। आज मदरहुड हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर हॉस्पिटल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा बख्शी जी मेरे साथ में हैं। मैडम, ये हॉस्पिटल का कैसे आपके मन में विचार आया इसको स्टार्ट करने के लिए? देखिए, मैं इंदौर में ही पढ़ी हूँ और यहाँ से मैं बॉम्बे से फिर मैं विदेश चली गई और विदेश से वापस इंदौर का प्यार मुझे लेके आया। 1994 में मैं वापस आई तो मेरी बहुत इच्छा थी कि इंदौर भी इंटरनेशनल लेवल का बने। तो आके हमने एक टेस्ट बेबी सेंटर स्थापित किया, दिशा फर्टिलिटी एंड सर्जिकल सेंटर। डॉक्टर मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, डॉक्टर अनिल बख्शी, और उन्होंने भी पूरी तरह से योगदान किया और काफ़ी सारी चीज़ें हम इंदौर में लाए। मगर कमी थी एक ऐसे हॉस्पिटल की जो कि इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल हो, जहाँ हम सब चीज़ एक जगह दे सकें, हम प्रेगनेंसी केयर दे सकें एक जगह, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी दे सकें, टेस्ट ट्यूब बेबी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे सकें, प्रेगनेंस डिलीवरी करा सकें, सब तरह के ऑपरेशन करा सकें और बच्चे की भी केयर कर सकें, और वहाँ NICU हो, वहाँ एक्सरसाइज की फैसिलिटी हो, वहाँ डाइटिशियन हो, काउंसलर हो, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट चाहिए था और हमने उसी दिशा में यह हॉस्पिटल बनाया। मगर आप जानते हैं कि क्लिनिशियंस आर नॉट वेरी गुड इन मैनेजमेंट, तो हमने सोचा कि हम अपने नॉलेज को अपनी ही विधा में लगाएं और एक मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम को अपने साथ लें। तो लकीली मदरहुड जो कॉरपोरेट चेन है जिनके ऑलरेडी मोर देन 11 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने हमारे साथ टीम अप किया और उस तरह से हम इस मदरहुड वाली फैसिलिटी को प्रस्तुत कर पाए। और हमारा एम है कि एक मदर बहुत ही डिग्निफाइड, कंफर्टेबल, सेफ एटमॉस्फेयर में, फैमिलियर एटमॉस्फेयर में हैप्पीली अपने ही जैसी औरतों के बीच में डिलीवर हो, जहाँ मिक्स एंड मैच नहीं हो, केवल इसी टाइप के का माहौल हो और उसमें अपने एक स्वस्थ बच्चे को लेके खुशी खुशी अपनी इस एडवेंचर को एंजॉय करती हुई अपनी फैमिली के साथ इस एक्सपीरियंस को ले। तो उसी दिशा में यह है, यहाँ पर हमेशा एनेस्थेटिस अवेलेबल हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, यहाँ पे उत्कृष्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की फैसिलिटीज़ हैं राइट फ्रॉम IVF, ICSI, TISA, माइक्रो TISA तक, जो कि बहुत ही कम सेंटर्स में माइक्रो TISA की फैसिलिटी है वो भी है, और इसके अलावा PGD की भी फैसिलिटी है, और अब हम उसके अलावा हमारे पास 3D लेप्रोस्कोप है और हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी से लेके एडवांस लेप्रोस्कोपीज तक करते हैं, यानी कि यूट्रस की गठाने, ओवरी की गठाने, इवन कुछ कैंसर के ऑपरेशंस भी हम दूरबीन द्वारा करते हैं, क्योंकि अब समय ये है कि पेशेंट को मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो की होल सर्जरी। सो हर जगह हम कोशिश यही करेंगे कि हम पेशेंट को एक अच्छी तरह से कम्फर्ट दें और उसकी जो प्रॉब्लम है उसका निजात। आपने जैसा बताया कि आप फॉरेन में रहे लंबे समय तक और वहाँ से यहाँ आप वापस आए कुछ सोसाइटी को वापस देने के लिए, तो अभी जैसे अपन कंपैरिजन करें कि फॉरेन का जो सिस्टम है, आज UK को अपन देखें कि एक NHS का वहाँ पर एक स्टेबल सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत वहाँ का हेल्थ सिस्टम काम कर रहा है, और यहाँ इंडिया में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, आज भी हेल्थ केयर पिछड़ा हुआ है। तो इंडिया में क्या गवर्नमेंट को पॉलिसी लाना चाहिए कि हर आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके? NHS तो बहुत ही बड़ा सिस्टम है और उसके लिए उसके कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। उस हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विसेज, एक्चुअली तो मैं एडमायर करती हूँ इंडिया के डॉक्टर्स को कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इतनी अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। इवन मुझे, मेरे बच्चे के लिए जब प्रॉब्लम हुई थी तो उसको इतनी प्रॉब्लम हुई और मगर मैं 3 दिन तक डॉक्टर को नहीं मिल पाई, तो इतना सरल नहीं, हाँ इतना सरल नहीं, यहाँ आराम से पेशेंट डॉक्टर को मिलता है, आप पेशेंट डॉक्टर पेशेंट को टाइम देता है और आपका आप सर्जरी सुबह चाहते हो दोपहर को सर्जरी भी हो जाती है, जो इतनी अच्छी सुविधाएं एक्चुअल में कहीं नहीं, यानी हमारे पास जो भी है उसमें हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं। ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अपने सेटअप्स को उस लेवल का बनाए और वहाँ पे यही डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दें, मगर हमारा सेटअप कम नहीं है और यदि अच्छी तरह से हम इस जो भी हमारी फैसिलिटी उसको यूज़ करें तो देखा जाए तो
हम काफ़ी उत्कृष्ट हैं और काफ़ी लोग अब धीरे धीरे मेडिकल टूरिज्म होने लगा है। इतनी सुविधाएं देखकर और इस टाइप का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो प्रॉबेबली हमारे पास फॉरेन से भी लोग इंडिया आ सकते हैं। आपने अपने हॉस्पिटल को सिर्फ वुमन और चिल्ड्रन तक ही सीमित क्यों रखा? मेडिकल तो काफ़ी ब्रॉड एरिया है, आप और भी एरियाज में काम कर सकते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ना वुमन एंड चाइल्ड केयर के लिए कोई अलग से बहुत स्पेशल हॉस्पिटल नहीं, सब जगह एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, तो इस डिपार्टमेंट को अपन इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से करें कि जो डिलीवरी है वो एक्चुअली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। तो जब सब कुछ स्मूथ हो रहा है तो वो वुमन उसको एंजॉय करना चाहिए और उस बीच में बहुत बीमार, बहुत अलग तरह के मरीजों के बीच में नहीं रखना चाहिए, उसको एक्चुअली वुमन कहना चाहिए, उसको मरीज नहीं कहना चाहिए। तो ये हॉस्पिटल बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को लेके बना हुआ है कि एक हैप्पी मदर फैमिलियल एटमॉस्फेयर में रहे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी है, पेशेंट आके मिलेगी, सब तरह की सुविधाएं एक उसमें रहेगी और काफ़ी सिस्टमेटिक वे में रहेगी। और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सीलेंट है, यहाँ पे कंटिन्यूसली जो ऑब्स्टेट्रिशियंस अवेलेबल हैं, जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, रजिस्ट्रार्स जो हैं, वो भी प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स हैं। और उसके अलावा पीडियाट्रिशियन हमेशा अवेलेबल है, बच्चों के डॉक्टर हमेशा अवेलेबल है। तो मतलब आपका ये दावा है कि एक ही छत के नीचे आपने सारी सुविधाएं दे दी, तो अब आपको कोई आउटसोर्सिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जहाँ तक हो सकता कोई चीज़ के लिए करना पड़े, बट कोशिश ये रहती है कि ना करना पड़े। हमारे पास सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा है, पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के अच्छे चांसेस रहते हैं। और अभी हाल में हमने 130 किलो की वुमेन को नॉर्मल डिलीवरी कराई, जो कि इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, 4 किलो का बच्चा था, पूरी तरह से नॉर्मल डिलीवरी कराई। तो कराया जा सकता है यदि हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप थे डॉक्टर आशा बख्शी मैडम, जो कि इंदौर में लंबे समय से गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्वयं का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है, मदरहुड हॉस्पिटल। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो बता रहे हैं कि सारी सुविधाओं के साथ में लॉन्च किया जा रहा है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में इंदौर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। महिलाओं और बच्चों को अपने ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह सारी सुविधाएँ मिल जाएगी। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.